आज हम लेफ्ट ओवर भगारेलो रोटलो बनाएंगे। बाजरे की 3 रोटी हमने ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोटी बनाते हैं और ज़्यादा बन जाती है या कोई खाता नहीं है तो बच जाती है, तो ठंडी खाने को हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से इसको भगार के बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये 3 रोटियाँ हमने ली है बाजरे की, इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। इस तरह से हम इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। रोटी का टुकड़ा कर लिया है। यह हमने बटर मिल्क बनाया है छाछ। आधा कप दही लिया था मीडियम खट्टा और उसे फेंट के उसमें 1 कप पानी मिला के छाछ बना लिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा खट्टा दही ले सकते हैं। थोड़ी देर इसमें इसे छाछ में भिगोएंगे। 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 1/2 टीस्पून राई, राई को थोड़ा क्रैकल होने देंगे, फ्लेम लो कर लेंगे। 3 बोरिया मिर्ची डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, करी पत्ता डालेंगे, 1 पिंच हींग, 1 मीडियम प्याज चॉप करके लिया है। थोड़ी देर प्याज को कुक कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसमें मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप मिर्ची की पेस्ट डालें। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट। फिर सेकंड सौते कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर सेकंड मसाला कुक कर लेंगे। ये छाछ में हमने रोटी भिगोई थी वो डाल देंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे। रोटी को कंटिन्यू चला के कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट कुक कर लेंगे। रोटी कुक हो गई है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। गैस ऑफ करते हैं। ये रोटी गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी के ऊपर हम एक तड़का डालेंगे, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून तेल गरम करेंगे, 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसे ऊपर डाल देंगे। तड़का हमने ऊपर डाल दिया है।